मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। आपको बताएं कि यहां पर एक बस जो कि 55 करीब यात्री उसमें सवार थे, 50 से 55 यात्रियों को लेकर जा रही थी, नर्मदा नदी में गिर गई। 14 शवों को निकाल लिया गया है, अभी भी 40 के करीब लोग हैं जो लापता हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह रहे हैं वो दुख जाहिर करते हुए कि मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं, इस दुख की घड़ी में उन्हें संभलने के लिए ऊपर वाला उनकी मदद करे। नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी हुई बस गिर गई, एमपी के खलघाट में नर्मदा नदी में ये बस गिरी। शुरुआती जानकारी जो है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, नींद की झपकी लगी, ऐसे में बस इम्बैलेंस हुई और पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे नदी में आ गिरी। मौके पर मेडिकल टीम भी मौजूद है, सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन 14 शवों को बाहर निकाला गया है। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू किया गया, क्रेन से बस को बाहर निकाला गया और बस जैसे बाहर निकली कई डेड बॉडीज बस में फंसी हुई दिखी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये तस्वीरें जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए और आप करीब करीब 40 फीट की ऊंचाई से ये बस नदी में गिरी। ये वो ट्वीट है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए ट्वीट किया गया और दुख जाहिर किया गया। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के धार में बस के खाई में गिरने से जो दुर्घटना हुई है वो हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं।